हेलो दोस्तों, मैं आशीष, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है TDS 7380 एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में जो डिटेल्स है हम पूरा तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला है जो इस एम्पलीफायर बोर्ड का डिटेल्स कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उनको जो ये बोर्ड लिया है उन्होंने, उनको कनेक्शन नहीं आ रहा है और कितना पावर सप्लाई, कितना वोल्ट का चाहिए और कितना एम्पियर का चाहिए उनको पता नहीं है, और इसका बारे में जो वाटेज कितना है और कितना स्पीकर चला सकते हैं इनको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना, कारण हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, TDS 7380 एम्पलीफायर बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर मतलब बोर्ड में चैनल रहता है, 2 चैनल या 4 चैनल, 6 चैनल, उस तरह ये जो बोर्ड में आपको 4 चैनल मिल जाता है, सबसे ज़्यादा प्लस बात है। तो इसमें 4 चैनल मतलब 4 स्पीकर डाल सकते हैं आप, और इसका जो वाटेज है वो 40 वाटेज RMS होता है और 4 ओम्स पे काम करता है। आप कोई भी 40 RMS का स्पीकर आप इसमें डाल सकते हैं और 4 ओम्स का स्पीकर होना चाहिए। इस बोर्ड का जो वेट है वो 250 से लेके 350 ग्राम तक होता है। और इसका बोर्ड का पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो आपको 0-12 आप दे सकते हैं और उसमें 5 एम्पियर से 3 एम्पियर तक दे सकते हैं इसमें। और इसमें ज़्यादा बेस चाहिए आपको, अच्छा साउंड क्लियरिटी चाहिए और अच्छा तगड़ा वाला बेस चाहिए, तो इसलिए आपको 0-15 पे जाना पड़ेगा ट्रांसफार्म। और इसमें 5 एम्पियर हो, 3 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, कोई बात नहीं है, आप बोर्ड जो है आपका वो छेल लेगा करेंट। तो इसमें जो प्लस बात है वो 4 स्पीकर डाल सकते हैं, 40 वाट का और 4 ओम्स का स्पीकर जो है इसमें चला सकते हैं। और ज़्यादातर ये कार में यूज किया जाता है और ये मार्केट में ज़्यादा हिट नहीं है, इस बोर्ड का इतना वैल्यू नहीं है मार्केट में, फिर भी इसका जो बेस का पॉन्च है और जो क्लियरिटी है बहुत ही अच्छा है। आपको तो पता है TDA का जो भी IC है वो कितना अच्छा है क्लियरिटी के बारे में, आपको पता है जो 5200 बोर्ड होता है उससे भी, तोशिबा का कंपनी से भी ज़्यादा क्लियरिटी देता है TDA कंपनी जो है, उस साउंड में और बेस में क्लियरिटी उससे पूरा बोलने का नहीं है, पूरा मस्त आता है। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड ऐसा ही है और मेरे को जो लग रहा है शायद मैं अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो थ्रू में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाद में कभी और एक वीडियो लेके आएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये न्यू चैनल है मेरा। तो मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन किया, मेरे को लग रहा है शायद कुछ गलती हुआ है तो आप हमको बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, रहते हैं।